सो गाइस बारिश का मौसम है और पकौड़ी बनाने का मन नहीं है, पकौड़ी माला सता है, तो मैं बनाऊंगी गाइस चिल्ला। चिल्ला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरा बेसन, लेट्स गो, प्याज, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसको घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चलाएंगे कुछ देर तक। गैस को ऑन करेंगे, नॉन स्टिक तवा रखेंगे और इसको गर्म करेंगे, थोड़ा तेल लगाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा घोल डाल देंगे और इसको गोल गोल कर देंगे, चारों तरफ ऑयल लगाएंगे और इसको पलट देंगे। तो गाइस इसको पलट दिया है, उधर भी सेक लेंगे इस तरीके से। अब इसको सर्व कर लेंगे चिल्ले को। सो गाइस चिल्ला रेडी है और मैंने रखा है सॉस, और बरसात का मौसम है, अब फटाफट खाएंगे और ले लेंगे एक कप चाय। सो गाइस लेट्स गो, बनाएंगे बनाएंगे चाय और खाएंगे चिल्ला। बाय, राधे राधे। हेलो गाइज, वेलकम बैक, न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइज टका पैसा। टका पैसा बनाने के लिए गाइज मैंने 1 कटोरा समथिंग बेसन लिया है और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला, 1 चुटकी हींग, इसमें डालेंगे गाइज 1 टीस्पून ऑयल। अब इस तरीके से डो तैयार करेंगे, जो जैसे पराठे का डो तैयार करते हैं गैस। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है, जिस तरीके से पराठे का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से इसका डो तैयार कर लेंगे। सो गैस जिस तरीके से पराठे का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से, उससे थोड़ा गीला ही मैंने डो तैयार किया है। और इसको इस तरीके से जो बेसन जो गूंदेंगे, गूंदने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट मैंने गूंदा है। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद, गैस ऑन करेंगे और गैस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में गैस 2 गिलास पानी डाल देंगे और पानी को गर्म करेंगे। तो गैस आप देख सकते हैं कि पानी में खौल आने लगी है। अब ले लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लेंगे अलग से। अब गाइस जो बेसन का डो मैंने तैयार किया था, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट है। तो हाथ में क्या करेंगे, पहले पानी लगा लेंगे हाथ में, तो पानी से हाथ को गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद ये इस तरीके से बेसन को उठा लेंगे एक लोई और इसकी गोल गोल बना लेंगे लंबाई में, क्योंकि वैसे आप अगर लेंगे तो हाथ में बेसन चिपकेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बेसन हाथ में नहीं चिपक रहा है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल सॉफ्ट है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से गोल गोल बना लेंगे और बनाने के बाद ये गोल रोल करके इस तरीके से खोलते पानी में डाल देंगे। तो गाइस जितना डो मैंने तैयार किया था बेसन का, इसी तरीके से सारे बेसन के डो गोल गोल लंबे लंबे जिस टाइप के आप बनाना चाहें तो वो खोलते हुए पानी में डाल देंगे। तो गाइस मिलते हैं ये सारा डो जिस तरीके से तैयार किया है डालने के बाद, तो इसमें खोल आ रही है और इस तरीके से बना लेंगे पतला और ऐसे डाल देंगे। आप देख सकते हैं गाइस में इस तरीके से रोल बनाकर बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, हाथ भी खराब नहीं होते। बस आपको जब बेसन का डो तैयार करेंगे तब आपके हाथों में बेसन थोड़ा सा चिपकेगा, फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने जितना डो तैयार किया था सारे टका पैसा बेसन के इस तरीके से डाल दिए हैं, बेसन के रोल करके लंबा करके। अब इसमें खोल लगाएंगे, खोल लगाने के लिए इसमें 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है, अब इसको खोल के देखेंगे। तो ये गाइस बेसन होता है थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये अच्छे से उबल चुका है। इसको आप चाकू की सहायता से देख सकते हैं, या चाकू नहीं तो ये कांटे की सहायता से इस तरीके से तवाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश आ रहा है। तो ये पक चुका है बेसन, तो इसको निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और एक एक करके निकाल लेंगे इस तरीके से रख लेंगे। अच्छे से बॉयल हो चुका है, कढ़ाई भी खराब नहीं हुई है, आसानी से निकल आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मैंने सारे निकाल लिए हैं, अब इसको ठंडा कर लेंगे बेसन के रोल। इस तरीके से आप देख रहे हैं गाइस ठंडा हो रहा है ये, जो कि ठंडी है, ठंडी में बहुत जल्दी ठंडा होता है। अब इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, जिसको बोलते हैं गाइस टका पैसा।
तो आप देख रहे हैं कितने बढ़िया पैसे निकल रहे हैं। तो ये पैसे सारे निकाल लेंगे, तरीके से गोल गोल काट लेंगे। ये है डका पैसा। अब गैस को ऑन करेंगे और इस पर रख देंगे वही वाली कढ़ाई जिसका पानी निकाला था, वो फेंक दिया है, उसमें सुखा लेंगे। इसमें डालेंगे गैस 1 चमचा ऑयल, गरम करेंगे। ऑयल गरम हो रहा है गैस, मैंने लिया है 1 प्याज और लहसुन की 1 गाठी को बारीक कटिंग कर लिया है। इस तरीके से ऑयल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे। अब इसको गुलाबी होने तक का इंतजार करेंगे और इस तरीके से चलाएंगे। तो गैस गुलाबी हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। चलाएंगे, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक गैस बेसन ने भी डाल दिया है, ध्यान से डालिएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। अब इसमें पानी फिर ऐड करेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी तैयार हो रही है बढ़िया। तो गैस टका पैसा की कटिंग हो चुकी है और पैसे तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से जो मैंने पैसे तैयार किए हैं और मसाला तैयार किया है और इसमें ऐड कर देंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे। इस तरीके से चलाएंगे। तो ये गाइस टका पैसा बनके तैयार हो गए हैं, अब इसको सर्व कर लेंगे। ये है चटपटे मसालेदार टका पैसा बेसन के। गैस को ऑफ कर देंगे, कंप्लीट हो गया है। ये रहे गाइस टका पैसा बनके तैयार हो गए हैं और चटपटा मसालेदार नाश्ता। सो गाइस अगर आपके घर कोई गेस्ट आया हुआ है तो ये आइए, आपका मन चल रहा है कभी सब्जी पराठा रोटी खाते हुए जी उठ जाता है, तो आप इतने तरीके की बेसन के डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो गाइस मैंने ली है ये चटनी मीठी, तो आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि टमाटर की मीठी, टमाटर और गुड़ की मीठी चटनी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। और ये है चिली सॉस, इसकी भी नेक्स्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं चिली सॉस किस तरीके से मैं बनाती हूँ। और ये है चका पैसा बेसन का चटपटा मसालेदार, इस तरीके से आप खाइएगा और अपने स्वाद को उतना बढ़ाइएगा और साथ में चाय भी बना लीजिएगा क्योंकि चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो गैस इस तरीके से चेरा टका पैसा बनकर तैयार हो गया है। तो गैस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो आप करते चलिएगा। और कम्युनिटी बॉक्स में एक मेरा नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाके आप मेरे नए वाले चैनल को देखिएगा, कम्युनिटी ऑप्शन में नोटिफिकेशन दी हुई है तो उसमें भी आप जाकर देखिएगा, अगर मन हो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो गाइस, वेलकम बैक, न्यू वीडियो मैं बना रही हूँ गाइस। 1/2 बंदा मैंने लिया है, मैं बनाऊंगी झटपट मोमोज। तो मोमोज बनाने के लिए गाइस सिर्फ 1/2 बंदा चाहिए है और 1/2 बंदे की इसके तरीके से कटिंग कर लेंगे इसकी। सो गाइस इसको बोलते हैं पत्ता गोभी, पत्ता गोभी बोलते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा ही पत्ते होते हैं, तो पत्तों को मैंने कटिंग कर ली है इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में, चाहे तो आप कद्दूकस से कर सकते हैं। और करने के बाद इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। तो गाइस मिलते हैं धोने के बाद। सो गाइस पत्ता गोभी को मैंने धो लिया है, धोने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ डालेंगे प्याज। तो गाइस अगर नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस तरीके से बनाइएगा मोमोज। तो गाइस मैंने 2 प्याज की छोटी छोटी कटिंग कर ली है, इस तरीके से काटने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक।
एक लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में इसको डाल देंगे। गैस को ऑन करेंगे और इस पर रख देंगे कढ़ाई और इसको ढक देंगे और गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लो फ्लेम पर किया है और फटाफट मोमोज बनाने की तैयारी करेंगे। तब तक कि मैदे का डो तैयार कर लेंगे और इसको कर दिया मैंने लो फ्लेम पर। तो गैस मैंने लिया है एक कटोरा मैदा, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे और इसको गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो गाइस मैदे का डो इस तरीके से तैयार करेंगे जैसे पूड़ी का डो तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं गाइस टाइट है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ना ज़्यादा टाइट है। और इस तरीके से डो तैयार कर लेंगे और इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो गाइस पत्ता गोभी को देखेंगे, आप देख सकते हैं पक चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको चलाएंगे। चलाने के बाद वापस उसी थाली में पलट लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें जो पत्ता गोभी है वो पानी निकलता है। इस तरीके से तिरछा कर देंगे और इसका पानी अलग कर देंगे और पत्ता गोभी को अलग निकाल लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ठंडा हो गया है और इस तरीके से ठंडा हो रहा है, तो इसको इस तरीके से दबा के निचोड़ लेंगे और पानी को निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी इस तरीके से सभी गर्म है, ये पानी आप देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से दबा दबा के निकाल लेंगे इस तरीके से निचोड़ के रख लेंगे सारे पत्ता गोभी को। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जब इस तरीके से निचोड़ेंगे तो पानी तो काफी निकल जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना पानी इस तरीके से निकल रहा है और इसमें डाल देंगे थाली में। तो गाइस इस तरीके से पत्ता गोभी को मैंने निचोड़ के रख लिया है। मैं डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, स्वाद अनुसार नमक, हल्का गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर को मिक्स कर लेंगे। तो गैस मोमोज के अंदर भरने वाला मसाला तैयार हो गया है। इस तरीके से गैस मोमोज का मसाला फटाफट तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर मैंने नहीं डाला है, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी नहीं डाला है मैंने। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे मोमोज के लिए चटनी। चटनी बनाने के लिए गैस को ऑन करेंगे और इसमें रखिए मैंने लहसुन की कलियाँ ली है बिगड़ छिड़ी हुई, और इसमें डालेंगे 4 टमाटर और इसमें डालेंगे पानी और इसको कर लेंगे बॉईल कर लेंगे। इसके जब इसका कट लगाएंगे तब टमाटर का, तो इसके छिलके निकालेंगे गाइस, जब बॉईल होने के बाद ही छिलके निकालना है, इससे पहले नहीं। तो इसको चाकू से इस तरीके से कट लगा देंगे। बहुत ही जल्दी बॉईल होते हैं। ये बॉयल हो जाए, बॉयल हो जाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस बॉयल हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे और जो लहसुन की कलियां हैं इसको छील लेंगे, टमाटर को अलग कर लेंगे। हल्का सा बॉयल करने से गाइस क्या रहता है कि ये लहसुन जो है बहुत ही आसानी से आप छील सकते हैं। तो ये चाकू की सहायता से इस तरीके से जरा सा कट मारेंगे और ये लहसुन को आसानी से छील लेंगे, बहुत ही जल्दी लहसुन छिल जाता है। तो लहसुन के लिए छीलने के बाद और टमाटर के छिलके भी निकाल लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने कट लगाया था। तो इसको इस तरीके से ये काट देंगे, ऊपर का हिस्सा निकालने के बाद फिर ये छिलका आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रहा है ये। तो ये छिलके को निकाल देंगे। मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में इस तरीके से डाल देंगे टमाटर के पीसेस इस तरीके से काट के, जो बॉइल किए हुए टमाटर हैं आप देख सकते हैं छिलका निकाल दिए हैं। और इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च और बारीक जो बॉइल किए हुए लहसुन के छिलके अलग कर देंगे, बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं आप देख सकते हैं। तो ये लहसुन की कलियां डाल देंगे। चटनी में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। को लगाएंगे ढक्कन और फटाफट चला लेंगे। तो ये रही गाइस मोमोज की चटनी, चटपट तैयार हो गई है।
तो आप चटनी को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मोमोज की चटनी इस तरीके से बना लेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है झटपट तैयार हो जाती है मोमोज की चटनी। सो गाइस, आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोमोज बनाने के लिए गाइस गैस को ऑन करेंगे और इसमें रख देंगे कुकर। कुकर में डालेंगे 1 गिलास पानी। कुकर की ढक्कन की गैस सीटी और रबड़ दोनों निकाल देंगे। और इसको ढक देंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। मोमोज बनाने के लिए गैस चक्का बेलन लेंगे और जो मैंने डो तैयार किया था 10 मिनट हो चुका है, अब इसको गूंथ लेंगे सही से। सो गैस ये मैंने डो तैयार कर लिया है। सूखा मैदा मैंने रख लिया है थोड़ा सा और इसकी लोई काट लेंगे। तो इसको इस तरीके से लोई ले लेंगे और इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरीके से लोई जितनी लेनी है आपको उतनी ले सकते हैं और इस पर रखेंगे। तो गाइस इस तरीके से मैं लोई बेल रही हूँ गोल शेप में। तो ये गाइस मैंने गोल शेप में बेल ली है पूड़ी से छोटी। तो इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था वो इस तरीके से इसमें रख लेंगे। और फिर इसको इस तरीके से आप मोमोज बना सकते हैं गाइस। बहुत ही बढ़िया प्यारी डिजाइन आती है और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और इस शेप में लाते जाएंगे। तो ये रहा मोमोज की डिजाइन। सो गाइस इस तरीके से आप मोमोज बनाइए, इसी तरीके से सारे मोमोज बना लेंगे। और एक नए शेप का, जैसे पुराने स्टाइल का जो मोमोज बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये नया पैटर्न है, ये मोमोज बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और गाइस आप रेस्टोरेंट में भी आप देख सकते हैं इस तरीके के मोमोज। और सादा बनाने के लिए गाइस मैंने एक लोई ली है। सो गाइस ये गोल शेप में बेल दी है और बेलने के बाद इसको इस तरीके से 1 चम्मच रखेंगे। तो अपने मैंने ऐसे ही रख लिया है तो इसको गोल बना देंगे इस तरीके से, जैसे मोमोज होते हैं जैसे आप बाहर खाते हैं इस तरीके से। तो ये रहा मोमोज और इसका ऊपर का हिस्सा इस तरीके से निकाल देंगे, एक्स्ट्रा मैदा जो होती है। तो ये रहा मोदक जैसे स्टाइल में मोमोज। तो गैस सारे मोमोज इस तरीके से बना लेंगे, इसी तरीके से गैस मोमोज बना लेंगे। सारे मोमोज बना के मैं दिखाती हूँ आपको पूरे। सो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मोमोज मैंने तैयार कर लिए यहाँ बढ़िया। और अब लेंगे इडली का खाचा, इडली के खाचे में इस तरीके से रख लेंगे एक एक करके। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें इडली के खाचे में मोमोज पहले से ही तैयार करके रख लिए हैं। तो इस गैस पर मैंने पानी रखा था और ये पानी गर्म हो गया है और इसका ढक्कन हटा के देखेंगे हीट निकल रही है। अब इसके अंदर रख देंगे इडली का खाचा, इसके अंदर बहुत ही आसानी से आ जाता है कुकर में। अब इसको ढक देंगे और इस मैंने रबड़ निकाल दी है और ये इसकी सीटी निकाल दी है और इसको ढक्कन लगा देंगे और गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। तो गैस मिलते हैं 15 मिनट के बाद। सो गैस 15 मिनट हो चुका है, अब इसको खोलेंगे ढक्कन कुकर का। तो ये रहे मोमोज, गैस को ऑफ कर देंगे, इसको सर्व कर लेंगे। तो गैस इस तरीके से बन चुका है ये। तो गैस कुकर को इस तरीके से निकाल लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मोमोज बनके तैयार हो गए हैं आप, और तरीके से खाइएगा। और ये रही चटनी और ये इस तरीके से ये मोमोज बलवा देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। तो इसी तरीके से सारे मोमोज बना लेंगे। सो गाइस आपको मोमोज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं कम्युनिटी बॉक्स में नया चैनल है उसमें शॉर्ट्स की वीडियो डालिएगा, शॉर्ट्स की वीडियो मैं डालती हूँ तो उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मोमोज ये बन के तैयार हो गया है। पहले मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि ऐसा बना है। तो ये रहा गाइस मोमोज, वाह। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो गाइस वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा आप देख सकते हैं कि गाजर को मैंने
4 किलो गाजर समथिंग ली है और गाजर को मैंने धो लिया है अच्छे से, 2-3 पानी से धोने के बाद इसको सुखा लिए हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें पानी सब सूख गया है। तो अब इसको कैसे हलवा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो गाजर होती है तो गाजर में जो रोए जैसे होते हैं तो इसको सबसे पहले खुरच लेंगे। खुरचने के लिए जैसे आलू की छिलने से छीलते हैं उसी से खुरचेंगे इस तरीके से जैसे खुरच के बनाएंगे गाइस गाजर, तो आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा। और जो रेसे होते हैं आप देख सकते हैं कि गाजर में एक जो लेयर होती है तो इसमें ये बाल टाइप के होते हैं, तो बाल हलवे में आएंगे तो अच्छे नहीं लगते। तो गाइस इस तरीके से मैंने ये उतार लिए। तो अब लेंगे कद्दूकस और सारी गाजरों को इस तरीके से छील लेंगे और कद्दूकस लेंगे, इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो बनाएंगे बढ़िया गाजर का हलवा। सो गाइस पूरी वीडियो देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। और इस तरीके से सारी गाजर को छीलने के बाद एक थाली लेंगे, थाली में कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से, कद्दूकस से गाजर को सारी कद्दूकस कर लेंगे। तो गाइस मिलते हैं गाजर को कद्दूकस करने के बाद। सो गाइस आप देख सकते हैं कि गाजर को कद्दूकस कर लिया है, इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। चलते हैं गैस की तरफ, गैस को ऑन करेंगे, गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई गाइस थोड़ी सी बड़ी ली है मैंने, गहरे टाइप की, तो कढ़ाई को साफ कर लिया है। अब कढ़ाई में डालेंगे ये गाजर। और इसको गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको ढक देंगे। तो गाइस पहले तो गाजर को फफाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि गाजर को पहले फफा लेंगे तो आप इसमें आग बहुत ही आसानी से आ जाएगी। गाइस बड़ी कढ़ाई लेनी है। ढक देंगे, गैस गाजर को नीचे से थोड़ा सा चला देंगे। 5 मिनट हो चुका है। इसे चलाने के बाद बड़ी बनावट से इसको ढक देंगे। इसको गाइस मैंने ढक दिया है। तो गाइस 15 मिनट हो चुका है, अब इसको खोल के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गाजर गाइस इसको मैंने एक बार पलट दिया था और फिर दोबारा से पलट दे रही हूँ। तो इसको गाइस आप देख सकते हैं कि ये बफ चुकी है गाजर। इसको इस तरीके से बफाया जाता है, मैंने 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर बफाया है। इसको पलटते रहेंगे इस तरीके से। अब गाजर को साइड में इस तरीके से किनारे की तरफ कर देंगे और बीच में आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी है। तो पानी को गाइस निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये गाजर का पानी है, निकाल देंगे तो ये पौष्टिक तत्व होते हैं इसमें। मैंने लिया गाइस 1 कटोरा चीनी, 1 किलो समथिंग चीनी है, तो इसमें इस तरीके से डाल देंगे। और मैंने लिया है 1/2 कटोरा देसी घी, तो देसी घी को गाइस इसमें डालेंगे। दो चम्मच इसमें बड़े घी डाल देंगे। अब इसको चलाएंगे और गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। तो इसी तरीके से इसको जब ऐसे ही रखे रहने देंगे तो यहाँ पर ये चीनी पिघलेगी आपस में, तो इसको पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पतली हो रही है और इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को गैस लो फ्लेम पर कर देंगे। तो गैस आप देख सकते हैं कि ये चीनी पिघल गई है और घी भी पिघल गया है, तो इसको इस तरीके से बीच में कर देंगे से पकने देंगे और पानी को सूखने देंगे। तो इसको गैस रख देंगे दूसरे चूल्हे पर। तो गैस आप देख सकते हैं इसको मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। अब दूसरे चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई रखी है और इसमें डालेंगे घी। तो गैस देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। इसको पिघलने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने लिया है गैस कॉर्न। तो कॉर्न को थोड़ा थोड़ा करके गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे, गोंद को तल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से गोंद को निकाल लेंगे और फिर थोड़ा सा गोंद डालेंगे। तो गैस कॉर्न को इसी तरीके से तलेंगे।
फिर कॉर्न को डाल देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और ये कॉर्न निकालेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कॉर्न इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से तल सकते हैं, और तलने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हो गया है, हाथ से भी पिस रहा है। इस तरीके से गाइस कॉर्न को भूनने की ट्रिक होती है। तो आप गाइस देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया कॉर्न भून के तैयार हो गया है। जो ये घी बचा हुआ है देसी घी, वो वापस गाजर में डाल देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि गाजर को इस तरीके से खोला रहे हैं और ये घी जो बचा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। जो कॉर्न मैंने अभी तला था वो तो कॉर्न को भी इसी में डाल देंगे। तो कॉर्न भी इस पानी में अच्छे से पिघल जाएगा। फिर इसको चला लेंगे चारों तरफ। गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे। चलाने के बाद फिर इसको बीच में इस तरीके से कर देंगे। इसमें डाल देंगे गाइस घी और इसको गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसको पकने देंगे। सो गाइस मैंने खोया लिया है आधा किलो, तो खोए के लिए इसके क्या करेंगे, ऊपर से डाल देंगे। ताकि ये पिघल जाएगा इसको फोड़ लेंगे बिल्कुल। तो इसकी वापसी से गैस खोया पिघलता रहेगा और ये गाजर का हलवा बनता रहेगा। इसको गैस बीच में कर देना है इस तरीके से, खोए के ऊपर डाल देंगे। इसका पानी बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। तो गाइस मैंने लिया इलायची, इलायची को पीस लेंगे। चाहे तो इलायची पाउडर आपके पास अवेलेबल हो तो इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इलायची को इस तरीके से फोड़ के इसके जो बीजे होते हैं वो निकाल लेंगे। तो इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे, फिर वापस इसको इस तरीके से चला लेंगे। साइड में ये जलने ना लगे। तो इस तरीके से गाइस बनाऊंगी मैं गाजर का हलवा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये गाजर का हलवा बनने लगा है। समथिंग अभी थोड़ा बना है, पानी है इसका, पानी सुखाना है। तो खोया आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पिघल गया है अच्छे से। फिर वापस इसको इस तरीके से कर देंगे और इसका पानी सुखा लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पानी जो है सूख गया है, थोड़ा सा पानी बचा है। तो इसी पानी में जो मैंने घी बचाया था वो डाल दूंगी। तो घी आसानी से पिघल जाएगा। और इस पानी को सुखा लेंगे। सो गाइस मैंने लिए हैं एक प्लेट काजू और इलायची। इलायची पाउडर मैं डाल चुकी थी और मैंने इलायची ले ली है। तो गाइस इलायची को इस तरीके से फोड़ लेंगे। फोड़ने के बाद तो उसमें डाल देंगे और काजू ले लेंगे।
सो गाइस आप देख सकते हैं कि हलवा बनके तैयार होने वाला है, और इलायची को मैंने फोड़ लिया है, और इलायची के इस तरीके से जो आप ये देखते हैं ये छिलका जो है निकाल लेंगे, और इलायची पाउडर अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, वरना इसके पीछे इस तरीके से डाल देंगे। और ये जो इलायची के छिकल है वो चाय बना सकते हैं, तो चाय में अगर डालेंगे छिकल तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो सारी इलायची के अंदर के बीजे निकाल कर डाल देंगे। इलायची से गाइस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि गाजर का हलवा बनने लगा है, पकने लगा है, बनके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए बादाम की कटिंग करके और काजू के पीसेस डाल देंगे। तो मैंने लिए हैं 1 कटोरी काजू और इसके ऊपर डाल देंगे। इसको चलाएंगे तो ये रहा गाइस गाजर का हलवा। अब इसका पानी जो है हल्का सा थोड़ा सा और सुखा लेंगे। हलवा बनके गाइस तैयार हो गया है। इस तरीके से हलवा बना सकते हैं। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे, नहीं तो ये जलने लगेगा। और इसी तरीके से पानी को थोड़ा थोड़ा करके गैस को लो फ्लेम पर ही सुखाना है, क्योंकि पानी इसका सारा सूख गया है। हलवा बनके तैयार हो गया है। तो गाइस ये हलवा इस तरीके से आप बनाइएगा, गाजर का मीठा हलवा। इसको सर्व कर लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। खोया गाइस जो डाला था वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पिघल गया है खोया, और इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ गया खोया। और घी डाला है वो भी इसमें छलक रहा है इस तरीके से घी, आप देख सकते हैं कि। और ये फ्रूट्स वगैरह भी इसमें, गाजर में गाइस पानी ज़्यादा होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये घी आ रहा है। तो गाइस देर न करते हुए अब सर्व कर लेंगे हलवा को। तो ये रहा गाइस गर्म गर्म गाजर का हलवा। अब इसको डेकोरेशन के लिए ऊपर डाल देंगे काजू और बादाम के, अगर फ्लेवर हो तो बादाम के भी टुकड़े डाल सकते हैं। तो ये काजू डाल देंगे ऊपर से। इसके ऊपर गाइस खोया जो है कद्दूकस करके डालेंगे। तो इस तरीके से गाइस गाजर का हलवा तैयार हो गया है, और गाजर का हलवा खाइएगा। गाइस गाजर के हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और खाइएगा गर्मा गर्म गाजर का हलवा। सो गाइस और मेरे कम्युनिटी बॉक्स में एक नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, जिसमें उसमें भी देख के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। सो गाइस गर्मा गर्म जाड़े के मौसम में गाजर का हलवा की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। और बिहारी जी के लिए भोग जरूर लगाइएगा। तो इस तरीके से गाइस गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। ये मैंने सर्व कर लिया है, उसको मिक्स कर लेंगे और इसको खाएंगे अभी नहीं, भोग लगाने के बाद बिहारी जी को। और जो हलवा जो है इसमें जो है खोया जो है इसमें कद्दूकस करके ही डालनी है। तो इसमें जो खोया पहले डाला था वो पिघल गया था, तो इसमें इस तरीके से कद्दूकस कर देंगे। खोया गाइस कद्दूकस करने से इसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैंने कद्दूकस कर दिया है। तो ये भी तैयार हो गया है। इसको आप ठंडा करके स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आप खाएं तब इसको गर्म करें, और गर्म करके गर्मा गर्म गाजर का हलवा सर्व करें और खुद भी खाएं। तो गाइस इस तरीके से आप खाइएगा गाजर का हलवा, और इसको आप स्टोर करके 1 महीने तक आराम से रख सकते हैं फ्रिज में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लिया है 1 कटोरा देसी घी। तो गाइस देसी घी का अपने जैसे मैं देखूंगी, आप देखना कि पूरी वीडियो में घी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं घी डालूंगी। तो गाइस मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है घी, और इसको डालेंगे
तो गरम आप देख सकते हैं कि गरम हो रहा है, तो बस एक कटोरा घी लेना है और घी में डाल देंगे मखाने। अब इसको चलाएंगे। अब गाइस आप देख सकते हैं कि जो मखाने जो है इस तरीके से घी में इसको फ्राई कर लेंगे। और इसको इस तरीके से फोड़ के देखेंगे कि अभी सॉफ्टनेस है, जब ये टाइट हो जाएंगे तब ये लगेगा कि हाँ ये भुन जाए। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। तो गाइस मखाने आप देख सकते हैं कि आवाज से कि ये मखाने अच्छे से भुन चुके हैं। सो गाइस अब ट्राई करेंगे, अब तलेंगे गोंद। गोंद के लिए एक चमचा फिर डालेंगे देसी घी और इसको गर्म करेंगे। गोंद तलने के लिए हाई टेम्परेचर में इसको गर्म करेंगे, घी को गैस को फुल टेम्परेचर में रखेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि गोंद को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोंद बहुत आसानी से इस तरीके से फ्राई हो जाता है और ये फूल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। सो गाइस गोंद जो है अच्छे से तल चुका है, अब इसको निकाल लेंगे और इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। आप किसी की तरीके से आप इसको फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ इकट्ठा पराठा जैसे बना सकते हैं। तो ये फ्राई हो चुका है, अच्छे से तल लिया है। अब गोंद को निकाल लेंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि कढ़ाई को हटाना नहीं है, इसी कढ़ाई में आटा भूनेंगे। आटा भूनने के लिए इसमें फिर एक चमचा देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो गाइस इसमें दो चमचे में बड़े बड़े भर के डाल रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरा भर के लिया था। अब इसमें आटा ऐड कर देंगे और आटे को भून लेंगे। तो आटे को गाइस इस तरीके से गुलाबी गुलाबी भूनना है। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे, फिर लो फ्लेम पर करना है। तो इसी तरीके से आटे को गुलाबी भूनना है, जैसे पंजीरी के लिए आटा फ्राई करते हैं उसी तरीके से आटे को अच्छे से भूनना है। और इसको चलाते रहेंगे, चलाने के बाद इसको 5 से 10 मिनट तक इसको इसी तरीके से करते रहेंगे। तो इसमें गैस घी की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है, तो मैं एक चमचा घी और डाल रही हूँ। तो गैस मैंने इसमें 4 चमचे डाल दिए हैं, एक चमचा पहले था, 3 बाद में डाले हैं, तो 4 चमचे आटे में लग गए हैं घी के। और इसको अगर आपको कम लगे तो और डाल सकते हैं घी। आटे को गैस इस तरीके से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं चला रही हूँ धीरे धीरे, ताकि आपकी गैस भी खराब नहीं होगी और आटा गिरे भी नहीं इधर उधर से। और बहुत ही सावधानी से इसको आटे को पंजीरी के तरीके भूनना है। तो गैस आप देख सकते हैं कि आटा अच्छे से भुन चुका है। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पंजीरी भी बना सकते हैं ठंडा होने के बाद, इसमें चीनी पिसी हुई या पूरा जो भी आपके पास अवेलेबल हो मिला के आप नारायण भगवान के लिए प्रसाद बना सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पंजीरी बनाई थी। तो गैस पंजीरी की वीडियो ऐसी बनता है। तो गैस ये आटा फ्राई हो चुका है अच्छे से, तो अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गुलाबी गुलाबी हो गया है नीचे से भी, ज़्यादा इसको भुनेंगे तो ये जल जाएगा। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसको भी अलग बर्तन में निकालेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने मखाने और गोंद को फ्राई करके निकाल लिया है एक तरफ, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस बड़े बर्तन में इस तरीके से निकाल लेंगे इसको आटे को। सो गाइस आटे को इस तरीके से फ्राई करके मैंने दूसरे बर्तन में रख लिया है। अब इसी कढ़ाई पर भूनेंगे तिल। अब इसको रख देंगे आटे को गैस पंजीरी के लिए पंखे के नीचे और ठंडा करने के बाद अब मैंने डाले हैं तिल। तिल को फ्राई कर लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसी तरीके से तिल में गैस ऑयल नहीं डालना है, तिल को इस तरीके से सूखा ही इसको फ्राई करना है। तो इसके चटकने की आवाज़ तिल की आप देख सकते हैं कि अंदर जैसे तिल चटकने लगता है। तिल को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा। तो गाइस तिल चटक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेंगे तिल के लिए। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। तो गाइस ये तिल है जो मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब इसको भी ठंडा कर लेंगे और पंखे के नीचे रख देंगे। इसी कढ़ाई में गैस ये मैंने खोया डाला है और खोया को गरम करेंगे। तो खोया को गैस इतना गरम नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है इसको गुलाबी होने तक की।
भी लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो गाइस इस तरीके से खोए को हल्का सा फ्राई करना है और गैस को ऑफ कर देंगे और खोए को भी ठंडा कर लेंगे। तो जब तक कि गाइस खोया ठंडा हो रहा है, तब तक कि तिल और ड्राई फ्रूट जो मैंने लिए हैं, काजू और बादाम और ये मखाने और ये कॉर्न को मैंने फ्राई कर लेंगे। अब इसको मिक्सी फ्राई कर लिया, अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो गाइस मिलते हैं मिक्सी में पीसने के बाद। सो गाइस आप देख सकते हैं कि खोया ठंडा हो चुका है और इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो गाइस ये आटा ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि आटा ठंडा हो गया है और इसको हल्का सा गर्म है। तो इसी में गाइस ये जो मैंने ग्राइंड कर लिया है वो भी मिला लेंगे और ये खोया है, खोया इसमें इस तरीके से मिला देंगे। तो गाइस खोया को मैंने इस तरीके से डाल देंगे और तो इसी में ही गाइस मिला देंगे ये पूरा जो मैंने लिया है, 1 किलो पूरा पिसा हुआ, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस मैंने जो मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है मेवा और तिल, उसको भी इसमें इसी तरीके से मिला देंगे। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ग्राइंड कर लिया है तिल, तिल को मिला देंगे इसी के ऊपर, गौन और ये मेवा को भी इस तरीके से पीस लिया है वो भी मिला देंगे। सो गाइस जो तिल है वो भी मिक्सी में हल्के से ग्राइंड कर लेंगे और तिल को भी इसी में ऐड कर देंगे। सो गाइस ये मैंने लिया है इलायची हरी, तो इसको खल्लड़ मूसल में कुचल लेंगे। तो इलायची को गाइस इस तरीके से फोड़ लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इलायची का पाउडर बनके तैयार हो गया है और इसके छिलके अलग निकाल देंगे। जो छिलके जो हैं इसको आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाय बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है चाय, तो चाय में आप इस तरीके से एक छिलका डाल देंगे इलायची का, तो स्वादिष्ट चाय बनके तैयार हो जाएगी। तो वैसे इसको तो अलग रख देंगे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इलायची के छिलकों का और इलायची का ये पाउडर, चाहे तो पाउडर ले सकते हैं और चाहे तो इलायची पाउडर नहीं है। तो इस तरीके से अंदर से एलपीजे निकाल लिया है, इसको मैश कर लिया है, तो ये इलायची के पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसको भी इसको मिक्स कर देंगे लड्डू में। सामान को आप इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से मैश कर लेंगे और जो घी बचता है गाइस इसको घी को पिघला लेंगे और घी को पिघलाने के बाद उसमें मिक्स कर देंगे ताकि लड्डू आपके बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने। तो आप देख सकते हैं इसको मैं पतला कर रही हूँ, उसमें मैश कर देंगे। तो इस तरीके से लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। इसमें घी ऐड कर देंगे। इसमें गाइस इस तरीके से घी इसमें की क्वांटिटी और पड़ेगी, तो इसमें 3 चमचे और डालेंगे। इस तरीके से अब इसको मैश करेंगे घी डालकर। अब इसको मिक्स करेंगे। तो जब घी डालने के बाद आप गाइस देख सकते हैं कि लड्डू इस तरीके से बन जाएंगे, वैसे नहीं बन पा रहे थे अभी। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें 1 चमच और पड़ेगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब ये सॉफ्ट हो जाता है और अभी आप लड्डू आसानी से बना सकते हैं जब घी इसमें इस तरीके से कुछ ज्यादा सा मिक्स हो जाता है। तो गाइस मैंने इसमें 5 चमचे भर के घी डाला है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि आप बनाएंगे इसके लड्डू। लड्डू बनाने के लिए आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो बड़ा शेप दे सकते हैं। तो गाइस मैं इस तरीके से मैंने हाथ में लिए हैं, दोनों हाथ में इस तरीके से ले लेंगे और ये बनाएंगे लड्डू। तो दोनों हाथों से इस तरीके से करेंगे और ये बन गए परफेक्ट लड्डू इस तरीके से गाइस। अच्छा। गोल गोल बन गया है, इस शेप से आप बना सकते हैं। तो गाइस इन सब के लड्डू बनाने के बाद मिलते हैं। ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, गोल गोल लड्डू, तिल के मेवे के लड्डू, आटे के। सो गाइस आप देख सकते हैं कि लड्डू बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। इसमें समथिंग मैंने 1 कटोरा देसी घी ऐड कर दिया है, जो आटा बहुत सूखा होता है इसलिए 1 कटोरा समथिंग मैंने गरम करके ऑयल घी डाला है। तो इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, दोनों हाथों में ले लेंगे और बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। तो इस तरीके से दबाते रहेंगे और इसी तरीके से दबाएंगे तो जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए। तो
आप अच्छा देख सकते हैं कि इस तरीके से सॉफ्ट हो रहे ठीक है, हैं। बड़े बड़े काजू डालो ऊपर और देखिए। सो गाइस आप देख सकते हैं कि लड्डू बन के तैयार हो गए हैं और ये कितने बढ़िया लग रहे हैं लड्डू। तो ये मेवे के लड्डू हैं गाइस, आटे के और आटे तिल और मेवे के लड्डू हैं, और इस तरीके से आप बना सकते हैं लड्डू। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं और बहुत ही ज्यादा पौष्टिक भी होते हैं। तो अगर आप एक लड्डू अगर रोज डेली खाएंगे तो आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और ताकत भी आएगी, आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो गाइस इस तरीके से आप लड्डू बनाइएगा, तिल और मेवे के लड्डू। तो गाइस इसमें समथिंग 1 किलो देसी घी लगा है गाइस इसमें, और जब यदि आप ऐसे लड्डू बनाते हैं, आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो घी गर्म करके डालें तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं और सॉफ्टनेस बनते हैं। जब तक इस तरीके से आप दबाएंगे या दबाने के बाद जब ये ऑयल ऊपर आ जाता है आप देख सकते हैं, तो ये परफेक्ट लड्डू इस तरीके से बन जाते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं हाथों में लिए हैं तो ये टूट भी नहीं रहे हैं, अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी घी नहीं रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। तो गाइस इस तरीके से लड्डू आप देख सकते हैं कि तिल जो है ऊपर से व्हाइट तिल दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मेवा जो है इस मैंने ग्राइंड कर लिया, आप चाहें तो ग्राइंड नहीं करें तो मोटी भी रख सकते हैं, तो मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर ली थी। तो इस तरीके से गैस लड्डू बन जाते हैं बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो गैस ये मेरी लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, मावा के लड्डू? तो गैस अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो गैस आप देख सकते हैं कि ये मैंने 2 किलो लड्डू समथिंग तैयार हो चुका है, 2 किलो मावा के लड्डू तैयार हो गए हैं। तो इसको आप इस क्या करेंगे, डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं, तो डिब्बे में ये पैक करके इस तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके, तो आपके महीनों आपके लड्डू ये ख़राब नहीं होंगे। अगर यदि आप कहीं जा रहे हैं घूमने इधर तो भी आप लेके जा सकते हैं और ये ख़राब नहीं होने वाले। तो गैस इस तरीके से आप खाइएगा और लड्डू और बताइएगा मेरी लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तो गैस अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, और मेरे नए चैनल एक शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ जिसमें कम्युनिटी ऑप्शन में मेरा एक नया चैनल है, तो उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस आपको लड्डू की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस खाइएगा लड्डू और मेरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Gracias.